हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोपतान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे जन्म कर्म चमेव दिव्यम एवं यो वैति तत्पतः, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो इनकी वास्तविकता को समझ जाता है फिर से उसको दूसरा जन्म कभी नहीं होता है। तो भगवान कितने दयालु हैं कि कितनी सरलता से हमें जन्म मरण के बंधनों से छूटने के उपाय बताए हैं कि मात्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने से और उनको बिना किसी शंका के समझने से मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, भगवान श्री कृष्ण यहां गीता में स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो भी मेरे जन्म है और जो भी मेरे कर्म है अर्थात मेरी लीलाएं हैं और मेरा जो आविर्भाव है वो सब का सब दिव्य है, कर्ता भी अकर्ता है, अव्ययम है और मात्र उसको श्रद्धा से, मात्र उसको प्रेम से सुनना और फिर उसे समझना, ये हरि कथा कृष्ण लीला सुनने का कितना बड़ा महात्म्य है कि राजा परीक्षित ने क्या किया, कौन सी तपस्या की बताइए। राजा परीक्षित ने कौन सी तपस्या की, मात्र सुना, मात्र सुना और सुनते 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 उनकी सत्यगति हो गई। मात्र प्रेम से सुना और बिना किसी शंका के पूर्ण श्रद्धा के साथ सुना। तो जो कृष्ण की लीला है उसको हमें बिना किसी शंका के, चाहे वो कोई भी लीला हो भगवान की जो भागवत में आई है, उसको बिना किसी शंका के सुनना है और पूरी श्रद्धा के साथ। और जैसे 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 हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और शंकाओं का समाधान होगा वैसे 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 हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटते चले जाएंगे।
और एक वक्त आएगा जब हम हमेशा के लिए अपने घर कृष्ण के पास चले जाएंगे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यही इस श्लोक का सबसे बड़ा सार है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो इसे वास्तविकता से जान लेता है, पुनर्जन्म नायति सोति अर्जुन, फिर से उसका दूसरा जन्म नहीं होता। और हमें दूसरा जन्म अब चाहिए भी नहीं। हमें दूसरा जन्म अब चाहिए भी नहीं, क्योंकि दूसरे जन्म का मतलब है इस दुखालिम संसार में आना। दूसरे जन्म का मतलब ही है कि हम इस दुखालिय संसार में आए। दूसरे जन्म का मतलब ही है कि हम इस दुखालिम संसार में आए। और यह दुखालिम संसार में आकर मिला क्या? सिर्फ दुख। और यह दुख से छुटने का बिल्कुल सही उपाय कृष्ण हमें दे रहे हैं। क्या आप मेरी लीलाओं सुनो, अर्थात भागवत सुनो, भगवत गीता सुनो। और अभी तो कार्तिक मास आ रहा है, कार्तिक मास की महिमा तो आप सभी जानते हैं। इसमें भागवत और भगवद गीता पढ़ने और सुनने की महिमा तो कहीं की कहीं पहुंच जाती है। कार्तिक की तो महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। अब तो एक दो दिन ही रह गए हैं कार्तिक आने में। तो मेरी माता बहनों मित्रों, ये हम सबों को सुअवसर मिल रहा है, ऐसा अवसर जिसके माध्यम से हम अपने घर जा सकते हैं। वो घर जिसके लिए कृष्ण ने कहा, न तद्भास्य सूर्यो न शशांक न पावक, जहाँ आनंद है, उमंग है, उत्साह है, वहां जाने के लिए हरि कथा और ये दोनों ऐसी वस्तु है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, ये दोनों दुर्लभ वस्तु है। ये दोनों दुर्लभ है और गुरु कृपा से, हरि कृपा से ये दोनों दुर्लभ वस्तु हम लोगों को सरलता से मिल रही है। सरलता से मिल रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरि नाम और हरि कथा सरलता से मिल रही है। कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि जो वस्तु हमें सरलता से मिलती है उसकी कीमत का हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप सब तो सौभाग्यशाली हो कि हरि कथा पूरे भाव से सुनते हो और हरि भजन पूरे भाव से करते हो। हरि कथा और हरि भजन पूरे भाव से करते हो मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसलिए यही वो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है जिसकी ओर हमें चलना। और मैं लगभग रोज एक जैसी ही बातें करता हूं, क्यों? कि अर्जुन की तरह हमें मात्र वो तोते की आंख दिखनी चाहिए, अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। और हमें कृष्ण की ओर ही चलते रहना चाहिए। यह है हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कलयुग में दो ही चीजें हैं, कृष्ण लीला कृष्ण भजन, कृष्ण लीला कृष्ण भजन, कृष्ण कथा कृष्ण भजन, हरि कथा हरि भजन, हरि कथा हरि भजन। यही एक सार है इस कलयुग का पूरा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सब
इस हरि भजन हरि कथा का पूरा कार्तिक महीने में लाभ उठाओगे और अपना जीवन धन्य करोगे। मेरा ठाकुर आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुरक्षित रहो, सदा सुखी रहो और कृष्ण के साथ जुड़े रहो। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।